हेलो, आज हम बताते हैं आपको टैप कोड परसेंटेज। इससे पहले हम टिप पार्ट बता चुके हैं। इससे टैप कोड में जनसंख्या वाले क्वेश्चन होंगे जो हम बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे आपको। देखिए, हम आइए शुरुआत करते हैं। मैं बी के यादव, आज हम बताएंगे परसेंटेज में जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए हम देखिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन फॉर्मूला होता है, जनसंख्या वाला, जैसे उधर पी एन पी प्लस है, एन पी प्लस वन प्लस आर बट्टे 100 पावर एन होता है। तो इसमें इस फॉर्मूले से नहीं निकालना है, हमें आपको बताएंगे एक शॉर्ट ट्रिक। पी एन मतलब एन वर्षों की संख्या होती है, पी जनसंख्या होती है, आर प्रति दर होती है, और एन क्या है, वो वर्षों की संख्या होती है। देखिए, हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि जैसे ये क्वेश्चन है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 8000 हो तथा यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती हो, तब 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। यानी किसी गांव की जनसंख्या 8000 है, 10% प्रति दर की दर से बढ़ती है, यानी प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष बाद यह गांव की जनसंख्या कितनी होगी। एक फॉर्मूला बता दें हम आपको, ये ट्रिक्स होगी। देखिए, कोई संख्या हो दे रखी है, ये वाली, ये संख्या मान लेंगे हम एक्स मान लो चाहे, यदि बाद और पहले, ठीक, तो इसमें क्या है, यानी बाद की बात कर रहा है, पश्चात कर रहा हो, पूर्व या पहले की बात की कर रहा है, कितने परसेंट की, 10% की। यानी इधर तो क्या करेंगे हम, जितनी भी वृद्धि होगी, यानी 110 10% की, तो 200 कितने परसेंट की है, 10% की, 10 कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 110 100। अगर पहले की बात करता तो इसमें हम क्या करते हैं, इधर 100 बट्टे 10 यानी 110 100 बट्टे 110 ऐसे निकालते, चेक कितनी वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, कितनी वर्ष दे रखी हो, ऐसे निकालेंगे हम इसको। देखिए क्वेश्चन कैसे निकलेगा, कितनी संख्या दे रखी है, 8000, कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है वो, 2 वर्ष बाद, अरे चटकनी दबाना है, जैसे कितनी संख्या दे रखी है, 8000, कितने वर्षों को, कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 10% से बढ़ रहा है, 110 हो जाएगी बट्टे 100 इंटू 110, यानी 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष बाद इंटू 100, 2 जीरो 1 2 रहेगी 2, कितना बचा, 11 121 इंटू 100, 0 आएगा, 8 1 8 8 2 16, 9680 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी, ऐसे निकालेंगे। बस इसमें ये नहीं करना हमें, सिर्फ ये देखना है, जितनी भी जनसंख्या दे रखी हो, यहाँ कितनी भी दे रखी हो, या कितनी भी हो, 2 वर्ष हो, चाहे 20% की वृद्धि कर रहा हो, 40% की वृद्धि कर रहा हो, कितने भी कर रहा हो, अगर बाद की बात करता है तो ऐसे निकालेंगे, पहले की बात करता है, पहले हो या पूर्व हो, कुछ भी हो, दे रखी हो, तो ऐसे निकालेंगे। क्वेश्चन देखिए अगला बताते हैं और हम आपको, सवाल नंबर है 2, इसको समझिए। कहता है एक नगर की जनसंख्या 10000 है, यह पहले वर्ष 10% की दर से बढ़ती है, पहले वर्ष कितने, 10% की दर से बढ़ती है,
जबकि अगले वर्ष यानी दूसरे वर्ष 20% की दर से कम होती है। पहले वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है और दूसरे वर्ष 20% की दर से कम होती है, या तीसरे वर्ष जनसंख्या 30% से बढ़ जाए, अगर तीसरे वर्ष जनसंख्या 30% से बढ़ जाए तब 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। देखिए हम कैसे निकालते हैं, ये पूछ रहा है 3 वर्ष के बाद, बाद की बात कर रहा है, कितनी है 10,000। पहले कितनी परसेंट की बढ़ रहा है 10% 110 पट्टे 100। फिर जबकि अगले वर्ष 20% की दर से कम होती है तो कितनी हो जाएगी, 20% कम करेंगे तो 80 बट्टे 100 हो जाएगी। फिर अगले वर्ष क्या 30% की दर से बढ़ रही है तो 130 हो जाएगी बट्टे 100। ये बाद की बात कर रहा, अगर पूर्व की बात करता तो हम इधर करते हैं, उल्टा करते इसको, 10 से 10 इससे ये और इससे ये और इससे ये, 1 2 1 2 कितना बचा 10 × 11 × 8 × 13। देखिए इसका इसमें 80 हो गया, 13 × 13 = 14 गुणा 80 0 8 3 = 24 8 × 32 2 × 34 8 × 8 = 11 कितनी हो जाएगी जनसंख्या 11,440। ये हमारा आंसर होगा। इतना लंबा सवाल बहुत जल्दी हम निकाल सकते हैं, समझ में आया होगा। बस यही देखना है बाद और पहले की, चाहे कितनी बढ़ा रहा हो चाहे कम कर रहा हो। और देखिए हम अगला सवाल और बताएंगे आपको, देखिए सवाल नंबर अगला है 3। ये कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 5,000 है, कितनी है 5,000, ये प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ती है, यानी एक वर्ष में कितनी वर्ष बढ़ रही है, कितने परसेंट बढ़ रही है 20% की दर से, तब यह 2 वर्ष 3 महीने के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, यानी प्रतिवर्ष 20% बढ़ रही है तो 2 वर्ष 3 महीने में के बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखिए कितनी है जनसंख्या 5,000, प्रतिवर्ष 2 वर्ष से 20% की दर से बढ़ती है तो 120 × 100 × 120 × 100। ये कह रहा 3 महीने की, अब प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है, यानी 20% 12 महीने, प्रतिवर्ष एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी 12 महीने में 20% बढ़ रही है, अगर 3 महीने में कितनी बढ़ेगी ये निकालना है हमें, 3 महीने में कितनी बढ़ेगी। अब हम महीने को अगर वर्ष बनाएंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसे हम ऐसे निकाल देते हैं, देखिए चॉकलेट वाला नियम 20 × 3 / 12 3 × 12 × 4 = 20 कितने परसेंट बढ़ रही है 5% बढ़ रही है, यानी कि 3 महीने में कितनी बढ़ रही है 5% बढ़ रही है, तो हम कितने निकालेंगे 105 / 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इससे ये 2 जीरो कट गए और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 5 × 2 = 10 × 2 = 12 कितना बचा 6 × 12 × 105 12 × 72 × 105 चाहे ऐसे निकाल लीजिए ऐसे सही रहेगा, 12 × 6 = 30 6 × 30 = 6 0 12 × 3 = 36 12 × 72 और 3 = 75 कितनी हुई 7,560 हो जाएगी 2 वर्ष 3 महीने के बाद। से हम वर्ष नहीं बनाएंगे,
इसकी परसेंट निकालेंगे, 3% में कितनी बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है। अब ऐसे निकालें इसको। और देखिए अगला क्वेश्चन में बताएंगे फटाफट और जल्दी। देखिए सवाल नंबर 4 है, एक नगर की जनसंख्या 13,310 है, प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है, दो वर्ष पूर्व क्या पूर्व नगर की जनसंख्या क्या रही होगी। ये कर रहा पूर्व की बात, ये देखना है हमें, पहले बाद की बात कर रहा था, पूर्व की बात कर रहा है। कितनी जनसंख्या हमारी 13,310, 10% पूर्व, या तो इधर कर लीजिए 100/10% बढ़ा रहा, तो 110 × 100/110 ये है ऐसे। देखिए दो जीरो से दो जीरो कट गए, 11 कितने बचे, 2, 11 × 22 11 × 11 121 कितने बचे, 11 दो जीरो ये और एक जीरो ये, 11,000 ये वाला आंसर होगा। समझ में आया होगा, यानी पूर्व की बात कर रहा है तो ऐसे निकाला, बाद की बात कर रहा है तो इधर निकालेंगे, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं, बात कोई दिक्कत नहीं है। 13,000 है इधर कर लो, 13,310 × 100/110 × 100/110 फिर भी इतना ही आएगा, 0 0 0 121 और 11 में 11 121 ये बचा 11 1 2 3 ये हमारा आंसर होगा। और देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 1/3 कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है, 1/3 प्रतिवर्ष, तब 6 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या का कितना हिस्सा शेष बचेगा, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितना हिस्सा शेष बचेगा। नगर की जनसंख्या कितनी थी, यानी 1/3 थी, ये कम हो रही है तो पूरी कितनी होगी, 1 थी, उसमें से 1/3 कितनी हो रही है, कम हो रही है, तो शेष कितनी बची, 3 × 1 = 2/3 शेष बची है हमारी, 1/3 कम हो रही है तो कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो 2/3 6 वर्ष बाद ही तो है, कितनी बढ़ रही है, तो 1/2 × 2/3 × 2/3 × 2/3 1, 2, 3, 4, 5 2/3 2 × 4 = 8 8 × 16 16 × 32 = 64 जनसंख्या हमारी तो एक ही है, इस पर ही तो मानी है हमने, बन का गुणा करेंगे ऐसे, 2 3 3 9 9 3 27 3 81 81 2 47 7 729 ये हमारी आंसर। तो समझ में आया होगा, यानी कि जी 1/3 एक से कम हो रही है तो कितनी बची, 2/3 हमारी जनसंख्या कितनी थी, 1 मानी थी हमने, तो 6 वर्ष की बात बात कर रहा है, 6 वर्ष गुणा कर दे 64/729। और देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सवाल नंबर हमारा 6, ये कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 5,000 है, यदि महिलाओं की संख्या जनसंख्या 20% से बढ़े और पुरुषों की जनसंख्या 30% से बढ़े, तब अगले वर्ष जनसंख्या 6,200 हो जाती है, तब गांव में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी जनसंख्या कितनी है, 5,000 है, जनसंख्या पुरुष महिलाओं की बढ़ रही है 20% और पुरुषों की बढ़ रही है 30% से बढ़े, तब अगले वर्ष जनसंख्या 6,200 हो जाती है, तब महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम दो तरीके से निकालेंगे, पहले तो हम आपको लॉन्ग मेथ बताते हैं जो किताब में दे रखा है, कितनी जनसंख्या है 5,000, महिलाओं की जनसंख्या पूछ रहा है तो एक्स मान लेंगे, पुरुषों की तो कितनी बचेगी, 5,000 - x बची,
महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, यानी 20% की, 200 और प्लस महिलाओं की जनसंख्या में कितनी कर रहा है पुरुषों की में, 20% 50 माइनस एक्स इंटू 30 बटे 100 कितने पर कितनी बड़ी है संख्या, 5000 थी अब 6200 तो कितनी बड़ी है 1200 यानी 5000 6200 कितनी बड़ी है यानी 1200 बड़ी है ना। देखिए 20x 100 प्लस 30 का अंदर करेंगे इसमें तो 5 15 20 3 40 माइनस 30x 100 बराबर 1200 कितने बचे, माइनस के 10 इधर ले जाएंगे कितना बचेगा 100 कॉमन आ जाएगा यानी माइनस के 10x बचाया 100 और प्लस 15000 यानी 12 माइनस के 10x बराबर 12000 20 माइनस 15000 माइनस 10x बराबर कितनी बची 3000 तो माइनस की बची, माइनस से माइनस 10 से 10 यानी महिलाओं की संख्या कितनी होगी 3000 होगी। समझ में आया होगा यानी टोटल संख्या थी हमारी 5000 महिलाओं की, मान ली हमने एक्स पुरुषों की 5000 में से एक्स हटा देंगे पुरुषों की आ जाएगी, ऐसे हमने सॉल्यूशन किया तो पुरुषों की महिलाओं की 3000 है तो पुरुषों की कितनी होगी, अगर पुरुषों की पूछ लेता है तो टोटल जनसंख्या कितनी थी हमारी 5000 3000 महिलाओं की है इसमें तो पुरुषों की कितनी बची 2000 ये हमारा आंसर होगा। एक ये भी होगा, ये तो रहा लॉ मेथड। अब हम आपको बताएंगे एक एलिगेशन से, देखिए इसे कैसे निकालते हैं डाली मत। देखिए हम बताते हैं एलिगेशन से, महिलाओं की कितनी संख्या थी 20% और पुरुषों की कितनी थी 30% बढ़ रही थी। अब हमें निकालना है इसका औसत यानी बीच का औसत निकालना है, कितनी बढ़ रही है हमारी टोटल संख्या 1200 कितने पर 5000 पर ठीक इंटू 100 2 0 से 2 0 0 0 5 2 10 5 6 20 कितने परसेंट बढ़ रही है 24% जो बीच का औसत होगा हमारा जो दोनों का एवरेज होगा यानी पुरुषों को और महिलाओं का जो एवरेज होगा 24% होगा तो कितना होगा यह 24% अभी पूछ रहा महिलाओं की तो कितनी बचेगी यहाँ 6 पुरुषों की 4 2 3 6 और 2 2 4 यानी कितना अनुपात हो गया 3:2 किसकी पूछ रहा है महिलाओं की तो 3/5 इंटू 5000 5 से 5 यानी कितनी आएगी 3000 महिलाओं की संख्या होगी ये, पुरुषों की 5000 माइनस 3000 कितनी होगी 2000। जो आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप उतार लीजिए, ये एलिगेशन से वैसे बहुत जल्दी हो जाता है। और देखिए अगला क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, देखिए सवाल नंबर 7
ये कह रहा है 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया गया, 2 वर्ष पहले एक पपीते का पौधा लगाया गया, इसमें 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। कितने परसेंट की दर से? 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि अब इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है, कितनी? 108 सेंटीमीटर है जब यह पौधा लगाया गया, तब इसकी ऊंचाई कितनी थी ये पूछ रहा है। इन 2 वर्ष पूर्व एक पौधा लगाया गया था पपीते का, उस पर वृद्धि हो रही थी 20% वार्षिक दर से, 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई हो गई 108 सेंटीमीटर, तो ये पूछ रहा है 2 वर्ष जब लगाया गया था पौधा तब ये कितना ऊंचाई था, यानी ऊंचाई थी कितना ऊंचाई अभी 108 सेंटीमीटर इंटू 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है 100, कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है 20% की, तो 120 इंटू 100, 2 वर्ष की बात कर रहा है 120, 0 से 0, 0 से 0, 4 2 8 और 4 7 28 और 4 3 12, 3 27, 3 3 9 और 3 4 12 और 25 4 100, यानी कि 3 × 25 × 25 = 75 सेंटीमीटर, कितना हुआ ये 75 सेंटीमीटर का होगा जब लगाया गया था पौधा, और 2 वर्ष कितना हो गया 108 सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे निकालेंगे। देखिए समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। देखिए कुछ सवाल नंबर 8, ये कह रहा है एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, कितने वर्ष पूर्व? 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई तथा इसका वर्तमान मूल 87,480 रुपये है, यह मशीन कितने रुपए यानी कितने मूल्य से खरीदी गई? क्या कह रहा क्वेश्चन? एक मशीन का मूल 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, कितने वर्ष पूर्व? 3 वर्ष पूर्व, कितने संख्या दी? 87,480, 10% की दर से अब मूल्य में कमी हो रही है, 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 10/100/90 होगी, 10% की कमी कर रहा है तो 100/90 होगी, 3 वर्ष की बात कर रहा है 90 होगी, 1 2 2 अरे ये से काट दिए, 9 81, 6 5 9 7 63 और 9 2 18, 9 से काट दीजिए, 9 1 9 0 9 8 72, 9 1 9 9 2 18, यानी कितना हो जाएगा 12, कितने 0 बचे? 3 0, 1 2 और 1 3, ये हमारा 12,000 हो जाएगा। अगर 10% की प्रतिवर्ष यानी कम कर देता है तो कितना मूल हो जाएगा? 12,000 रुपये, समझ में आएगा। अवमूल्यन ये मैं देख लिया, अवमूल्य क्या है यानी कमी है इसमें, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और देखिए अगला सवाल, लास्ट एक सवाल और बताएंगे हम आपको, बंद कर। ये क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है 2,91,600 रुपये में एक प्लॉट खरीद कर उस पर 5,32,400 रुपये लागत से एक बिल्डिंग बनाई गई, प्लॉट कितने में खरीदा? 2,91,600 में, उसमें लागत कितने लगे? 5,32,400 रुपये, एक बिल्डिंग बनाई गई, यदि प्लाट के यानी प्लाट के मूल्य में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी प्लाट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% की वार्षिक दर से कमी हो, ये प्लाट है जो उसमें 10% की वृद्धि हो रही है और बिल्डिंग के मूल्य में 10% की कमी हो रही है, कमी हो तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान होगा? बस यानी एक प्लॉट खरीदा था
291,600 में, उसमें लागत आई 5,32,400 रुपये। यानी प्लाट के तो मूल्य में वृद्धि हो रही है, प्लाट की तो कीमत बढ़ रही है, लेकिन बिल्डिंग में जो पैसा लगाया गया मूल्य में उसमें 10% की कमी हो रही है। तो ये कितने वर्ष बाद मूल्य समान होगा, बढ़ रहा है और घट रहा है, कितने वर्षों के बाद समान होगा, देखिए ये है 292,600, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की, तो इंटू 110/100 वर्ष, यानी एन निकालनी है हमें, यानी टाइम निकालना है, वो वर्ष निकालनी है कितने वर्षों के बाद, बराबर बिल्डिंग के कितना मूल्य है 5,32,400। इसमें क्या है कि 10% की कमी हो रही है, तो 90/100 यानी एन वर्ष, 0 से 0 कट जाएगा और ये 0 से 0, यानी ये कितना बचेगा 11/10n। इधर इसको लाएंगे तो चेंज हो जाएगा, यानी 10/9n, ये हो जाएगा इधर 5,34,000, ये हो जाएगा 29,160। समझ में आया हो कैसे, ये तो इधर था ही, ये इधर ले गए इसके नीचे, यहाँ आ गया और इसको लाए तो इसके नीचे आ गए, तो ये संख्या चेंज हो जाएगी। तो देखिए 10 से 10 कटा, 2 0 से 2 0 कटे, यानी 204। यस, तो यहाँ कितना बचा, यानी 11/9n है, ये कितना 5,324/2916, ये देखिए कितने का वर्ग है, यानी q होगा ये 11/, ये 9 का है का q होगा, ये 9 का q होगा 2916, और ये 5 3 11 यानी 11 का q होगा। तो ये कितना बचा है, यानी कि 11/9n इजिकल टू 11/n3, तो ये तो इससे कट जाएगा और समान है, n वर्ष पूछ रहा है, 3 वर्ष, यानी कितने वर्षों के बाद समान होगा, 3 वर्ष बाद ये हमारा समान होगा। देखिए उम्मीद करते समझ में आया होगा, और ये टैप हम यहीं ख़त्म करते हैं, और एक दो क्वेश्चन और होगा तो और बता देंगे, ऐसे यहाँ तक है कोई सवाल इससे बचेगा नहीं, और अगला टैप हम कल बताएंगे आपको। इससे पहले अगर समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू।